सो हे गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। दोस्तों, अभी आप काफी सारी यूट्यूबर को देख रहे होंगे कि उनका चैनल ही मोनेटाइज नहीं हो रहा है, और या मोनेटाइज हो गया हुआ है तो उसका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जा रहा है, और यूट्यूब की तरफ से एक ही कारण दिया जा रहा है, मिसलीडिंग टाइटल का। दोस्तों, ऐसे तो उसके वीडियो के टाइटल में कोई भी मिसलीडिंग नहीं होता, फिर भी उसका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाता है, और मोनेटाइज है तो डीमोनेटाइज कर दिया जाता है। तो दोस्तों, वो कैसे गलती, मतलब क्या गलती कर रहे हैं, क्या मतलब वो मिसलीड कर रहे हैं जिनके कारण उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो गलती यूट्यूबर करते हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में ही करते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम यूज कर लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे गलती है जो कि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, एक एक गलती को बताने वाला हूँ, और कैसे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है सही ढंग से, और कैसे मतलब डिस्क्रिप्शन में टैग यूज किया जाता है, कैसे हैशटैग यूज किया जाता है, वो सभी कुछ मैं आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके भी चैनल पर कोई इफेक्ट ना पड़े और आपका भी चैनल बड़ी ही आसानी से मोनेटाइज हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने वीडियो को तो अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों, YT स्टूडियो को आपको ओपन सिंपली कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना वीडियो जो अपलोड हो गया उसका आपको यहाँ से थंबनेल लगा लेना है। थंबनेल लगाने के बाद दोस्तों, आपको टाइटल यहाँ से लिख लेना है। दोस्तों, अगर आपको टाइटल लिखने नहीं आता है तो दोस्तों, इस टॉपिक पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है कि कैसे बेस्ट टाइटल फाइंड करें जिससे कि आपका वीडियो रैंक हो सके। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, और ऊपर आई बटन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से सिंपली आपको ऐड डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। उससे पहले दोस्तों, आप इस टाइटल को पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ से मैं इस टाइटल को कॉपी कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से इस टाइटल को कॉपी कर लिया, और यहाँ धर के यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों? यहाँ मैं पेस्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों, सबसे ऊपर इसका टाइटल हो गया। तो टाइटल के बाद दोस्तों, इसके बारे में लिखना है, इस वीडियो के बारे में। यूट्यूब जब भी चेक करता है, उसके सबसे पहले आपका टाइटल चेक करता है। उसके बाद दोस्तों, आपका डिस्क्रिप्शन में ये चेक करता है कि आपका जो वीडियो है वो किससे रिलेटेड बनाए हो, और आपका वीडियो किस टॉपिक पर है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है इस डिस्क्रिप्शन में कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, अबाउट दिस वीडियो। दोस्तों, यहाँ अबाउट दिस वीडियो लिखकर उसके नीचे आपको ये लिखना है, इस वीडियो में आपने क्या बताया है। तो दोस्तों, आपने जो भी कुछ बताया वो सभी कुछ यहाँ आपको लिख देना है। दोस्तों, मैं पहले ही से सब कुछ लिख कर रखा हूँ, उसको जस्ट यहाँ मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना है, पहले ही से आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के रखना है। कोई भी वीडियो बनाए उसका पहले डिस्क्रिप्शन आप और टाइटल टैग ये सब ढूंढ कर रखें, और वीडियो अपलोड करें डायरेक्ट वो सब पेस्ट करें और वीडियो को पब्लिश कर दें, या फिर शेड्यूल आप कर सकते हैं, ये सभी कुछ आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने कॉपी करके रखा है। दोस्तों, यहाँ से मैं डायरेक्टली मैं वो इस चीज़ को ले लूँगा, और यहाँ से मैं अबाउट दिस वीडियो लिखा हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊँगा कि कैसे आपको भी लिखना है। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ। दोस्तों, मैंने ये ऐसे लिखा, और उसके बाद दोस्तों सिंपली इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों फिर इसमें आ गया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से मैं इस चीज़ को पेस्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, आपको अपने वीडियो के बारे में इसको लिखना है। तो दोस्तों, मैंने बहुत कुछ लिखा है अपने इस वीडियो के बारे में, जिससे कि यूट्यूब को समझ में आए कि भाई मेरा जो वीडियो है किससे रिलेटेड है। और दोस्तों, ये वीडियो अभी इस टाइटल पर बहुत सारे कंपटीशन है, फिर भी दोस्तों इस टाइटल पर मेरा वीडियो रैंक कर रहा है। आप चेक करके देखेंगे, 4 या 5 नंबर पर मेरा वीडियो रैंक कर रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार वीडियो को रैंक कराया जाता है। दोस्तों, आपको अगर टाइटल नहीं फाइंड करने आता है, फिर भी दोस्तों आप जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में ये मतलब इतना लिखने के बाद दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना मतलब कि वीडियोज का लिंक देना है। दोस्तों, वीडियो का लिंक यानी दोस्तों, किसी को आप कहते हैं कि जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, तो ऐसा ही दोस्तों आप अपने डिस्क्रिप्शन में आप अपने अदर वीडियो का लिंक दे सकते हैं। जैसे दोस्तों, यहां लिखेंगे मोर वीडियोज, ठीक है दोस्तों, मोर वीडियोज यहां लिख देंगे, मोर वीडियोज यहाँ लिख कर। उसके बाद दोस्तों, यहाँ अपने वीडियो का टाइटल लिख देंगे, और टाइटल लिखने के बाद दोस्तों उसका लिंक्स डाल देंगे दोस्तों, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, मैं भी वैसा ही अभी करूँगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। यहाँ से देखिए दोस्तों,
मैं वीडियो का मतलब कि नाम डालकर उस वीडियो का और इस लिंक दोनों एक ही साथ मैंने रखा, इसको कॉपी करूंगा और जस्ट यहाँ आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ मैंने वो लिंक को पेस्ट कर दिया और दोस्तों यहाँ मेरे वीडियो का टाइटल है आई विल प्रमोट योर चैनल, तो दोस्तों उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप और भी वीडियो का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। दोस्तों जितना वीडियो दे नंबर बाई नंबर लिख दे, 1 वीडियो 2 वीडियो ऐसा ही क्लिक क्लिक कर आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, उसके बाद दोस्तों अपने सोशल लिंक्स डालना, सोशल मीडिया का लिंक्स डालना। जैसे दोस्तों मैं इंस्टाग्राम का दूंगा, तो दोस्तों मैं उसको कॉपी करके रखा हूँ, यहाँ मैं अभी आपको बताता हूँ पेस्ट करके। दोस्तों यहाँ देखें मैंने लिखा है सोशल मीडिया, उसके बाद दोस्तों माय इंस्टाग्राम टेक्निकल हेल्पर ऐसा लिखा, उसके बाद दोस्तों मैं अपना लिंक्स डाल दिया हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना हर सभी सोशल लिंक्स डाल सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, मतलब सभी कुछ का यहाँ आप लिंक्स डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ आपको क्या लिखना है, योर क्वेरीज टॉपिक कवर। तो चलिए दोस्तों मैं वही कुछ मतलब सभी कुछ लिख कर आपको दिखाता हूँ, जिससे कि आप अच्छी तरह से पता चले कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से योर क्वेरीज लिख कर यहाँ से और टैग डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने कैसे लिखा है, दोस्तों यहाँ मैं लिखा हूँ योर क्वेरीज टॉपिक कवर, जिससे कि YouTube को पता चले कि भाई इसने किस किस मतलब टॉपिक मतलब इस वीडियो में किस किस टॉपिक को कवर किया। तो दोस्तों मैं इस सभी टॉपिक को कवर किया और दोस्तों इस प्रकार से मैंने टैग डाला, जिससे कि YouTube को पता चले कि ये कीवर्ड डाला ये ना कि टैग। तो दोस्तों आपको भी कुछ इसी प्रकार से डालना है, ना कि कॉमा लगाकर। दोस्तों अगर आप कॉमा लगाकर लिखेंगे तो आपका भी मिसलीडिंग टाइटल या मिसलीडिंग मेटा डेटा के मतलब के कारण आपका भी चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, या फिर मोनेटाइज नहीं है तो मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको भी कुछ इसी प्रकार आप अपने डिस्क्रिप्शन में टैग यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका चैनल पर कोई इफेक्ट ना पड़े। उसके बाद दोस्तों अब आती है हैशटैग का। तो दोस्तों हैशटैग कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं हैशटैग आपको दिखा देता हूं कि कैसे मैंने लिखा है। तो दोस्तों यहां से इसको मैं कॉपी किया और फिर यहां मैं आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहां से मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको भी हैशटैग यूज करना है। दोस्तों ज़्यादा हैशटैग नहीं यूज करना है, क्योंकि दोस्तों अगर 15 से ज़्यादा आप हैशटैग यूज करेंगे तो फिर भी दोस्तों आपका मिसलीडिंग मेटा डेटा के कारण आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने मतलब 4 से 5 या 6 ही लिया हूँ हैशटैग और अपने चैनल का नाम लिखा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आपको भी कुछ इस तरह का हैशटैग देना है। दोस्तों यहाँ बीच में मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया बिना हैशटैग का, और हैशटैग का भी एक चैनल का नाम लिखा। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको भी लिखना है हैशटैग। और दोस्तों हैशटैग कैसे ढूंढा जाता है वो भी कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस पे प्रॉपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपका हैशटैग से भी आपका वीडियो रैंक कर सके। दोस्तों काफी सारे लोगों को देखते हैं कि अपने डिस्क्रिप्शन में हैशटैग भी नहीं देते, लेकिन दोस्तों हैशटैग देना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि वीडियो पे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन मिलता है, मतलब वीडियो भी चलने का चांस बन जाता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और दोस्तों अगर आप किसी भी वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी किसी का नाम ले लिए, थोड़ा सा भी किसी का चीज़ यूज कर लिए, तो दोस्तों आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्क्लेमर दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने डिस्क्लेमर कॉपी कर लिया और यहाँ डायरेक्ट पेस्ट कर दूंगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको डिस्क्लेमर देना है। दोस्तों यहाँ से मैंने डिस्क्लेमर का ऑप्शन यहाँ लिख दिया और दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से आपको डिस्क्लेमर लिखना है। दोस्तों यहाँ डिस्क्लेमर वीडियोज मतलब डिस्क्लेमर लिखकर और अपना कुछ इस प्रकार से डिस्क्लेमर लिख देना है। दोस्तों मेरे मतलब डिस्क्रिप्शन से आप इसको कॉपी करके आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं इस डिस्क्लेमर को, और बाकी चीज़ कॉपी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका भी मिसलीडिंग मतलब मेटा डेटा के कारण में आपका भी चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जा सकता है। इसलिए दोस्तों किसी का भी डिस्क्रिप्शन आप अपने डिस्क्रिप्शन में मत यूज कीजिए, किसी का नाम मत यूज कीजिए। अगर दोस्तों आप उसका नाम अपने वीडियो में यूज करते हैं तो दोस्तों ये डिस्क्लेमर आप दे दीजिए, ऐसा डिस्क्लेमर दीजिएगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और दोस्तों मैं हर वीडियो में अपना डिस्क्लेमर देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों इससे ज़्यादा अगर आप कुछ अपने डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा कुछ करते हैं, कॉमा लगाते हैं, डैश डॉट ये सब लगाते हैं, तो दोस्तों आपको मिसलीडिंग मेटा डेटा या मिसलीडिंग टाइटल के कारण आपका चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है।
सो गाइज इसी प्रकार आप अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी कुछ बताया है वही चीज को आपको फॉलो करना है। दोस्तों अगर आप एक्स्ट्रा कुछ यूज करते हैं इसमें तो अपना थोड़ा सा माइंड लगाकर सोच समझकर ही यूज करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप कुछ भी मिसलीड कर देते हैं तो आपका भी चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है, या मोनेटाइज नहीं है तो मोनेटाइज नहीं होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन थोड़े अच्छी तरह से लिखें और थोड़ा सा दिमाग लगाकर लिखें। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।